हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडीज पेपर 1 जो बोलते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। एक स्टेटमेंट ये है, आधार के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मेनली। इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा। ये बस सही है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी वाला बात गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन सा पैसा लोग लेते हैं, मेनली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में जाकर आधार जो है एक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया, इस कारण से ये वाला बात कहीं ना कहीं सही हो जाता है। थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड इज रॉन्ग, सी और डी कट गया और टू इज राइट, तो अपने पास बी आंसर आया था। हाउ टू अंडरस्टैंड, आधार के ऊपर फैक्चुअल सवाल है, उस टाइम करंट अफेयर्स में काफी आया था, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अब राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों का पावर वेरी करते हैं किसी किसी जगह, और किसी किसी टर्म में इक्वल पावर्स भी है। किस टर्म में वो देखते हैं, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, इसमें राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। अगेन क्या, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला बात सही है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला बात गलत है, इसमें लोकसभा का ज्यादा पावर होता है, लेकिन कट मोशन में भी लोकसभा पावर ज्यादा होता है, आंसर होगा बी। आई यू अंडरस्टैंड, देखिए अमेंडमेंट जो होता है ना, अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इक्वल पावर होता है, दोनों वहाँ पे इक्वल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया सकता है, पर रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए लोकसभा पावर डोमिनेटेड है, बिकॉज सेंशियल मोशन जो होता है उसमें लोकसभा का पावर ज्यादा वैल्यूएबल रखता है। सिमिलरली कट मोशन जो होता है उसमें भी सेंशियल का एलिमेंट होता है, इसीलिए उसमें लोकसभा का पावर डोमिनेटिंग। इनफैक्ट और जो क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज है उसमें राज्यसभा का पावर डोमिनेटिंग है, इक्वल नहीं है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपीलैड जिसे हम कहते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एमपीलैड के संबंध में 4 स्टेटमेंट थी, आपने बताना कौन सा सही है। पहला, एमपीलैड्स फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, बस सही है। अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससीएसटी पॉपुलेशन, बस सही है। एमपीलैड फंड्स आर सैंक्शन ऑन द ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन बी कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए वाला बात गलत है। प्लीज रॉन्ग, प्लीज रॉन्ग, तो बी और सी कट गया, सेकंड राइट और फर्स्ट भी राइट है, तो ए और डी में खाली फोर्थ स्टेटमेंट देखना है, उसे अपने को बता दिया कौन सा सही है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स अंडर द इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर, यहाँ बिल्कुल सही है, आंसर होगा डी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अनटचेबिलिटी जो होता है वो आर्टिकल 17 के अंदर आता है, आर्टिकल 17 किसके अंदर है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर, आंसर डी। क्वेश्चन 5 क्या है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। अब देखिए ये वाला बात, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है, ये बात कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताने का कोशिश किया गया है, तो इसका राइट आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्चुअल सवाल है, इसके अंदर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सारी बातें जो है डीपीएसपी के अंदर बात की गई है, उसी के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को प्रमोट किया गया है डीपीएसपी के अंदर। आई अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलोंग विद बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाय। ये एक्ट होता है एफआरबीएम एक्ट, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत एक प्रिंट किया था, तो आंसर होगा डी। एक्चुअल बात है, आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये सब डाटा स्टैटिक का क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को राइट आंसर किया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डेफिनेशन इज अ, ऑप्शन दिया पड़ते हैं, गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट गारंटी नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट यस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट किया गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट, होगा डी। अंडरस्टैंड, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ राइट्स हमें दिए गए हैं ह्यूमन के लिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, अनटचेबिलिटी के प्रति, उसी तरह ऐसे कौन से और पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, तो डीपीएसपी में डेफिनेटली होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कुछ हद तक होता है, प्रीएम्बल में भी हम लोग बात करते हैं डिग्निटी का, तो 1, 2, 3 तीनों होना चाहिए आइडियली, दिस विल बी आंसर। आई यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, देखते हैं, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजंस। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहला है पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ये तो पॉसिबल लग रहा है, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, अब देखिए 2 लाख ये तो इसी के सब पार्ट में आता है ना, वो भी सही लग रहा है, मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख चेक करते हैं, और सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन तो गलत लग रहा है, क्योंकि सभी सीनियर सिटीजन को हम लोग लीगल सर्विस फ्री में थोड़ा देंगे भाई, तो बी और डी गलत है, अपने 50% चांसेस बच गया, ए और सी में अपने को खेलना है, ए और सी में खेलना इसका मतलब 2 तो डेफिनेटली राइट है, और टू चेक बिटवीन 1 और 3 विच वन इज द मोर एक्यूरेट। अब देखिए ओबीसी का क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का फंडा होता है, ओबीसी का क्राइटेरिया क्या होता है, 8 लाख से कम इनकम जिस फैमिली का एनुअली है उसको ओबीसी में माना जाता है, और उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिवीजन है, बस फर्स्ट बात ये, इतना तो श्योर होगा कि ये अमाउंट जो है 8 लाख से कम होगा, और इतना 3 लाख बहुत कम लग रहा है, पहला बात, और दूसरा बात ये कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसके तहत पर्सन विद इनकम लेस देन 5 लाख वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया, इस प्रोविजन में फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये थर्ड वाला गलत हो जाता है, हिसाब से अपना आंसर आया था ए, ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये क्वेश्चन तो विचित्र है, एग्जाम में मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे इसको सही कर पाए होंगे, डीएससी सॉल्व करना पड़ा होगा,
उसमें से राइट होगा राइट होगा, अदरवाइज इतने सारे फैक्चुअल है, काफी डीप प्रोविजन का क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आते हैं तो स्किप करना बेटर है, ठीक है। अगर इसे आप फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आप एक गेस मार के आगे बढ़ जाए, इसमें सोचने में टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए, कोई सोचने से ज्यादा नया इन्फॉर्मेशन दिमाग में आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप कुछ है और सब्जेक्ट्स है, किस सब्जेक्ट पे सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप हुआ था, अपने मैथ का कॉलम करना है। पहला है अल्मा अटा डिक्लेरेशन, अल्मा अटा डिक्लेरेशन ये करेक्ट है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो ये वाला बात सही लग रहा है, हेल्थ संबंधित बात है, ऑन इज करेक्ट। दूसरा हेग कन्वेंशन, ये चाइल्ड अबडक्शन के ऊपर है, चाइल्ड राइट्स के संबंध ज्यादा बोल सकते हो, तो ये टू वाला गलत है, एक्चुअल सवाल है, नहीं पता तो कोई डरने का बात नहीं है। कलोना डायलॉग बेसिकली उस प्रोसेस के अंदर था, इसके अपने कंट्रीज के एबिलिटी को इनेबल कंट्री को इनेबल करते हैं, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करते हैं कि वो जो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है उसको इंप्लीमेंट और एनहांस कर सके, तो बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, तो दैट इज राइट, टू रॉन्ग है। फोर्थ वाला क्या है, अंडर टू कोलिशन, अंडर टू कोलिशन इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर का, तो ये वाला बात गलत हो गया, इसलिए फोर भी रॉन्ग है, तो वन और थ्री राइट है, सी इज द आंसर। आई यू अंडरस्टैंड, थोड़ा फैक्टर सवाल था। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिया फॉलो होता है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें पूछा गया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ये गलत है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ये सही है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय, ये गलत है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय द राइट बिफोर द कमीशन ऑफ सिस्टम, ये बात भी गलत है, तो बी अपने वैसे टिक लगा ही चुके, तो बी इज आंसर, ठीक है ना, इंडिया में यही फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर बोल रहा है व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर वेलफेयर स्टेट, देखिए वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल जो है एक्ट के प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन है, आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल सवाल है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता, यही बात गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड नहीं करता, आंसर डी होगा, ये हम लोग ने इंटरप्रेटेड किया केशव नंदा भारती केस के अंदर, कि जुडिशियल रिव्यू जो है इंप्लिसिट है अंडर आर्टिकल 13, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू को इंप्लीमेंट कर सकता है टू प्रिजर्व द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट भी आया था और फिर जुडिशियल रिव्यू भी असटेंड किया गया, पहले जुडिशियल रिव्यू को बचने के लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9th शेड्यूल ऐड किया था, जिसमें जो भी लॉ डाला जाएगा उसमें जुडिशियल इंटरफेयर नहीं कर सकता, इस बात को ओवरटर्न किया गया केशव नंदा भारती केस में, जब जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया, ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोवाइड नहीं किया गया स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में, इट्स मोर ऑन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल रिव्यू अभी एक्जिस्ट करता है कंट्री के अंदर, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन 14 बता रहा है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज अ क्लासलेस सोसाइटी, फाइनली दिया हुआ स्टेटलेस सोसाइटी, सॉरी दोनों का यही मेज था कि बाद में स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए, लोग सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और कोई गवर्नमेंट की जरूरत ही ना पड़े, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट टू ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी संदर्भ में क्या कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट है, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नॉट डायरेक्टली, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, कहीं ना कहीं स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी होता है पर ये स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट सवाल नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं ब्यूरोक्रेसी, और भी बहुत लोग करते हैं, एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात भी गलत है, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है कि जो पॉलिसी कंट्री में बन गए उनको मेनली इंप्लीमेंट करना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके उनके उनको ऑप्शन देना कि पॉलिसी डिसीजन में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना, डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट बट हैज नो लीगल इफेक्ट, यह बात भी सही है, तो देखिए हो सकता है कि आगे स्टेटमेंट में और कोई जानकारी दिया डायरेक्टली टिक लगे भागेंगे नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गलत हो गया, सी वाला क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्टी, वाला बात भी गलत हो गया, रिवर्स स्टेटमेंट क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट बट हैज नो लीगल इफेक्ट करेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्टी, वाला बात ये मोर एक्यूरेट पार्ट, देखिए ए और डी दोनों सही है बट डी वाला जो है ना वो मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि इसका ये प्रीएम्बल का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, और कोई पार्ट किसान सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जजमेंट में प्रीएम्बल को पढ़ता है इन लाइट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू गेट बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू गिव जजमेंट्स, ठीक है ना, डी इज द मोस्ट एक्यूरेट, इसीलिए क्वेश्चन आया था थोड़ा सा बच्चों को गुमराह करने के लिए, कई बार क्या होता है पहला ऑप्शन देखिए आंसर टिक मार के भाग जाते हैं बाकी फिर पढ़ते नहीं है, तो उस वाले आइडिया को इसमें घुमाने के लिए यूज किया गया है, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, गोल्ड ट्रांस और रिजर्व ट्रांस रेफर्स टू, गोल्ड ट्रांस के संदर्भ में बात किया गया, बेसिकली इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ, बाकी कुछ दिया मैं पढ़ा भी नहीं, मैं गोल्ड ट्रांस बोल रही आईएमएफ आ गया, इज अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स, डी इज द आंसर। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेंड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, ये स्टेटमेंट यह देखते हैं, दिस शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, पहले देखिए पार्ट 4 क्या होता है, पार्ट 4 इज बेसिकली डीपीएसपी एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, वन इज रॉन्ग, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये नॉट बी, ये वाला बात थोड़ा थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, देखते हैं, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ये सही है, देखिए 3 इज डेफिनेटली राइट, 3 इज राइट तो सी और डी ऑप्शन हो गया, अब 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो अपने पास ये वाला सी वाला कट गया, अपने पास बच गया डी इज द आंसर, तो 2 इज राइट, दोनों को डाउटफुल था वो भी सही है, देखिए नहीं पता था फिर हम लोग एडमिशन से राइट आंसर निकाल दिए, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर सिक्स मंथ्स इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये बात सही है। देखिए बात सही है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत है, आरपीए जो बनाए थे उसके तहत ही बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर 5 इयर्स इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कंटेस्टिंग ऑफ एन इलेक्शन इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। ये बात गलत है क्योंकि परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, अगर वो 5 साल से सजा, उसको सजा 2 साल से ऊपर का मिलता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा फ्रॉम होल्डिंग एनी मिनिस्ट्रियल पोजीशन। अपना आंसर आएगा डी, आर यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। बिल्कुल सही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल सेशंस। ये बात गलत है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बोला गया 3 सेशन आपको पार्लियामेंट का करना, ठीक है, ये बात गलत हो गया। टू इज रॉन्ग तो अपना बी और डी हट गया, वन इज राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट देखना खाली, बट क्या बोल रहा है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज व्हेन द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये अलावा सही है, पार्लियामेंट को मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं दिया गया, इतना बोला गया कि आपको 6 महीने में आफ्टर 6 आपको 6 महीने में एक बार मिलना, तो इतना दिन के लिए नंबर ऑफ डेज को डिफाइंड नहीं, ठीक है ना, इसलिए अलावा सही है, आंसर है सी, आप अंडरस्टैंड। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग प्लेयर्स औरंग। औरंग अभी देखिए कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री पोजीशन के बारे में बताया गया, अपने को बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जनरली एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से सवाल बन जाता है। औरंग क्या है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, एक्चुअल बात है ये पर्शियन में इसको वेयरहाउस की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। बनिया क्या है, बनिया इधर इंडिया एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मान लेते हैं बेसिकली ये लोग बनिया माने वो लोग होते हैं जो अकाउंटेंट्स मुनीम टाइप के लोग होते हैं जो बेसिकली कंपनीज के भी काफी लॉयलिस्ट रहते हैं अपने टाइम पे, तो ये बात कहीं ना कहीं करेक्ट मान सकते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, निराशीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ थ्रू द स्टेट, निराशीदार ये वाला भी सही लग रहा है, तो उसका आंसर होगा बी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, अभी द वादिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, गलत है। देखिए फर्स्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ था तो बुद्धिज्म पहली बार में क्लियर आया था, बुद्धिज्म ब्रेक आया था, अकरिया वादिन्स जो है वो थर वादिन से अलग हो गए थे, और अकरिया वादिन वो लोग होते जो टीचिंग में बिलीव करते हैं, और स्थविरा वादिन्स वो होते थे जो पूरा रियलिस्ट अप्रोच रखते थे, रियलिस्ट अप्रोच रखते थे और फॉलो करते थे वे ऑफ द एल्डर्स। बेसिकली जो अकरिया वादिन्स है वो जो पहले दूसरी का नाम लिया वहाँ वो महासंगीका बना, वहीं से मायना बुद्धिज्म आया, और स्थविरा वादिन्स जो है एल्डर्स वाला जो पाथ फॉलो करते, थोड़ा सा हार्ड लाइन है, मोर ऑन द लाइन ऑफ हिनायाना, ठीक है ना, तो वन इज रॉन्ग तो अपने बस ए और डी रॉन्ग आ गया, थर्ड डेफिनेटली करेक्ट है, अपने को देखना बी। अब सेकंड स्टेटमेंट अपने को चेक करना है, सेकंड ऑप्शन अगर सेकंड वाला सही हो गया तो आंसर अपने को मिल जाएगा। लोकोत्तर वादिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगीका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, ये वाला सही आंसर होगा, आप अंडरस्टैंड। थोड़ा फैक्चुअल लगेगा, बुद्धिज्म के ऊपर थोड़ा हार्ड सवाल है, इजी नहीं बोलूंगा इसको मैं, क्योंकि हर जगह सेक्ट करके आते नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेकर 1850 तक, फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी आ गया, इसके दौरान जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हो रहा था उसका प्रभाव इंडिया पे क्या पड़ा। अब इंडिया बेसिकली रॉ मटेरियल का हब बन गया था, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाया जा रहा था और फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में पंप किया जा रहा था, इससे क्या हो रहा था, इंडिया के जो खुद के मार्केट्स थे वो तहस नहस हो गए थे। उस लाइन पर जो स्टेटमेंट होगा वो अपने को करेक्ट करना है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रुइंड, ओके सही लग रहा है। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्ज नंबर, कुछ हद तक किया गया था लार्ज नंबर नहीं, लार्ज लिखते ही गलत हो गया था, प्लीज रॉन्ग। फिर रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नहीं, 1853 में 1853 के बाद एक कहानी स्टार्ट हुआ था जब लॉर्ड डलहौजी के अंदर, ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये तो कतई गलत है, अपने पास यही आंसर बचा, क्योंकि हम लोग ड्यूटी इम्पोज नहीं करते, हम लोग बोलते ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आए हम लोग को इम्पोर्ट करें, हम लोग खरीदेंगे तभी उनका मार्केट चलेगा, इस डेटा कंपनी की चाहत यही थी, आंसर होगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर द किंग भोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर अंडर द प्रांतका, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। अब देखिए पाला जो 7th सेंचुरी डायनेस्टी है, 6 टू 7th सेंचुरी डायनेस्टी, चोला भी जो है लगभग आप समझ लीजिए 11 साल तक माने 1100 के टाइम तक था, 700 से लेकर 1100, तो आप मान लीजिए 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी का चोला का बात है, पर पाला पहले आया था चोला से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा, पल्लवा जो है चोला पल्लवा पांड्या और चेरा, पल्लवा जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में पायनियर है स्टार्टिंग में, तो चोला के पहले ही पल्लवा आया होगा, ठीक है ना, तो ये वाला बात इसके पहले ही हुआ होगा, चोला के पहले 2 इज बिफोर 3। थर्ड फर्स्ट में राइज ऑफ प्रतिहारा, ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के स्टार्टिंग में प्रतिहारा राष्ट्रकुटास इनके जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलता था, ठीक है, ये मालवा रीजन में थे प्रतिहाराज वाले, तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हमारी 750 एडी के आसपास, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 8th सेंचुरी एडी के आसपास ये बात चल रही है। उससे पहले आईडी में 2, ये भी 8th सेंचुरी, ये भी 8th सेंचुरी, पल्लवा इसके पहले आएगा, तो अपने पास आइडियली देखो 2 और 4 में आगे पीछे होने वाला बात है, फिर अपने पास 1 और 3 में, 2, 4, 1, 3 के संग जाएंगे हम। और इस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा परेड। हुंडी बेसिकली एक तरह का नोट होता था, तो कागज जो करेंसी की तरह काम करता था हर्षा परेड में उसको हुंडी बोलते थे, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, आंसर होगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय साखाराम गणेश दिवसकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉन्ट अगेंस्ट द कोलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, ठीक है सही बात है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स, ठीक है। सिंगिंग ऑफ देश इन देशर कथा
वाज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, ये बात गलत है, अपना आंसर आ गया ए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता है तो पता, वरना कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गांधी हैज बीन पैक्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बस सही है, वन इज डेफिनेटली राइट, अपना आंसर ए और बी में होना चाहिए गिवन ऑप्शन में से। विथड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये श्योर नहीं लग रहा, पर हाँ सिविल डिसोबीडियंस को रोकने के लिए लोगों ने कुछ किया था, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन उन्होंने दिया था, ऑर्डिनेंस क्या निकला इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। स्टेटमेंट क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सेशन फॉर इंक्वायरी टू पुलिस एक्सेस, ये नहीं हुआ था, तो मना कर दिया गया था। रिलीज ऑफ ओनली दोस प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड ऑफ वायलेंस, ये वाला सही है, तो आंसर होना चाहिए 104। अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन है, 104 का है नहीं सर, ठीक है, और 2 वाला कहीं ना कहीं गलत ही है, इसलिए यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की में दिया था एक्स, माने ये इसको ऑप्ट आउट कर दिया गया बिकॉज राइट ऑप्शन नहीं दिया गया। सेकंड वाला जो है बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर आइडियली होना चाहिए 104 और ये ऑप्शन में गिवन नहीं, ठीक है। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, द विथल विधवंसक द फर्स्ट मंथली जनरल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज अ टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय, इसका उत्तर होगा गोपाल भाव वलंकर। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कितना फैक्चुअल सवाल आता है, अगर पता है तो पता, वरना फालतू टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना, स्किप कर देना सीधा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म तुल्य बापा एंड द्रोण बापा, अब देखिए कहीं ना कहीं बापा जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे लैंड से संबंधित वाला बात था, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कुछ ना कुछ इसका कंटेक्स्ट हो सकता है, और ये लैंड से संबंधित जुड़ा है बापा, तुल्य बापा एंड द्रोण बापा, दे आर मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है ना, लैंड संबंधित वाला बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड तो नहीं है ऑब्वियसली, इस टाइम अर्बनिज्म पे इतना फोकस नहीं था, मेजरमेंट ऑफ लैंड जिसके तहत लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस प्रिंसिपल ये बेस्ट है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुम ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू हिज इंस्क्रिप्शन, अशोका करते थे काम तो, देखते क्या इंस्क्रिप्शन क्या दिया गया, हू फेवर प्रेजेंस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरिफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही रादर इंजरीज हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली, आंसर ए, एक अशोका की बात है, क्लियर आ गया सामने सामने उठ के, ठीक आंसर ये होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म पारामिताज, पैरामीटर आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, पैरामीटर्स बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ क्वालिटीज होते हैं जिनको परफेक्शन बोला जाता है, वो अगर आप अटेन कर लेते हैं तो आपको बोधिसत्वों के पाथ पे चलेंगे, ये होता है सी, पहले को पैरामीटर, तो विजन जर्नलिज्म के अंदर आता है, आई अंडरस्टैंड। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमा बाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड, देखिए एज ऑफ कंसेंट पे था, कॉन्जुगल राइट्स पे था, 2 or 3 होना चाहिए, अपने पास सब बी और डी में से चूज करना है, 1 इज द डाउटफुल, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन के संबंध में डायरेक्टली रखमा बाई केस में डायरेक्टली बात नहीं किया गया था, इसलिए वाला बात गलत मान सकते हैं अपने, अपना आंसर होगा आप अंडरस्टैंड, मेनली मैरिज और कंजुगल राइट्स के ऊपर ज्यादा जानकारी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, क्यों कर गया था, क्योंकि भाई मार्केट में अदर जगह भी डिमांड आ गए थे इंडिगो का, रीजन रेजिस्टेंस इंडिगो रेबेलियन हुआ था, चलो मान लेते हैं, और इसके कारण नहीं, इसके कारण कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, इस अनप्रोफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, बी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, देखिए मेनली बिजनेस जो होता है ना मार्केट को ड्राइव करता है, ठीक है, भले आपको सोशल मूवमेंट आगे चेंज कर दिया पर कुछ ना कुछ पूरी तरह से खत्म नहीं होता कोई भी चीज, और इंडिगो कल्टीवेशन इस 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अपने से 18th सेंचुरी का कुछ भी नहीं था, 1917 में और 20th सेंचुरी में हुआ था बिगनिंग ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, जिस टाइम चंपारा में जिस टाइम बिहार से प्लांटर्स लोग निकल गए थे, और लोग इंडिया से तो नहीं निकले थे, इंडिया में तो पूरी तरह तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो अदर रीजन भी होगा कि इंडिगो अब वर्ल्ड मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं रहा था, इस कारण से वो मार्केट कम हो गया था, आई होप यू अंडरस्टैंड। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेस्ली एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, ठीक है सही बात है, टू ट्रेन द अपने क्या, देखो अंग्रेज लोग जो आए थे ना उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए थे उनके वर्क के लिए, उनमें मेनली क्लरिकल या थोड़े ऊपर लेवल के लोग उनको लोग ट्रेन करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया फॉर द ट्रेनिंग, उसमें ऑप्शन में देखते क्या है, योगा में अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन देखते हैं, वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डू सो, ये अलावा थोड़ा गलत लग रहा है, ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग, तो कतई सही नहीं है, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज सीट विद एम्प्लॉयमेंट, ये बात भी गलत है, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, बिल्कुल सही, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है आई अंडरस्टैंड। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग, बिरसा मुंडा उनके दौरान ये ग्रेट टुमुल्ट बोला था जो इवेंट को उलगुलान मूवमेंट, बिरसा मुंडा यानी मुंडा रेबेलियन, उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर ये उलगुलान बोला जाता है, आंसर है डी, आई यू अंडरस्टैंड। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पाणिनि अष्टाध्याय लिखे थे, पाणिनि एसोसिएटेड विद पुष्यामित्र सुंगा, पुष्यामित्र सुंगा जो है वो हिस्ट्री में आते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में, ठीक है, पाणिनि जो है पोस्ट मौर्य पीरियड से भी पहले, पाणिनि अष्टाध्याय लिखे थे ग्रामर बुक, ये बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अमर सिम्हा एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, भी गलत है, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, जनरली कंटेम्प्रेरी सवाल आता है तो रॉन्ग होता है स्टेटमेंट, बट फिर भी ये वाला फैक्चुअली भी रॉन्ग है, आपको पता होना चाहिए। कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू, ये बात सही है, आंसर सी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज फॉर, देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एक मेथड एक टेक्नोलॉजी है, ये किस लिए पर्पज से यूज होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन इन विट्रो बाय डोनर्स, नहीं ये गलत है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये वाला भी गलत है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, ये कम से कम है ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग, ये वाला सही है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इसी में यूज किया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो मदर में होता है वो चिल्ड्रन में कैरी फॉरवर्ड ना हो उसके लिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर यूज किया जाता है, आंसर है डी, आई अंडरस्टैंड। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं,
30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर सकता है, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबल चांसेस ये है कि सब कुछ कर पाएगा, ये अभी कर पाएगा भविष्य में कर पाएगा, तो ऑल ऑफ द आंसर ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। और फिर पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, बिल्कुल हो सकता है, समझिए कि आपका इंडस्ट्रियल यूनिट का लोड कम हो गया, लोड कम हो गया तो एआई खुद से गेज करके आपका पावर कंजम्पशन कम कर सकता है, बेसिकली मशीन से कम्युनिकेट करके, तो वन वाला पार्ट करेक्ट है। फिर क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, देखिए एक्जैक्टली करेक्ट नहीं है, एआई इतना तगड़ा काम अभी कर नहीं पा रहा है, शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग खुद से भी क्रिएट, अभी ये चैट जीपीटी है वो भी इस चीज पर भी काम कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए भविष्य में सच हो जाए तो ये क्वेश्चन जो है इसका एक्यूरेट आंसर तो बोलना गलत है, पर अभी चैट जीपीटी आपको कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में कंटेंट करके दे रहा है, तो एआई ये काम कर पा रहा है, तो पूरी तरह से गलत नहीं है स्टेटमेंट, और उस टाइम से गलत था, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ तो लोग मान के रखेगा भाई गलत था। थर्ड का डिजीज डायग्नोसिस बिल्कुल कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स टेस्ट और टेस्ट जो है एआई खुद से रन करके देख के बता सकता है कोई डिजीज आपको है कि नहीं, तो थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट। फोर्थ क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन, आप कुछ टेक्स्ट दिए उसको स्पीच में एआई बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता है, अभी भी हो रहा है, एआई सॉफ्टवेयर है तो आपको टेक्स्ट लिख के दे उसका वीडियो बना के दे रहा है, तो फोर इज डेफिनेटली राइट। वन थ्री फोर तो सही है, वन और टू रॉन्ग है, टू रॉन्ग है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वन थ्री फोर बीज द आंसर, आई यू अंडरस्टैंड। Now let's move to the next question. 39 number question क्या बोल रहा है? With reference to visible light communication technology, which of the following statements are correct? Visible light communication technology uses electromagnetic spectrum wavelength of 375 to 780. यार बस सही है। PLC is known as long range optical wireless communication. नहीं short range होता है भाई। Two is wrong. One is right. Two is wrong. तो हमने बस ये आंसर। तो तुम क्या short range? Visible light short range में काम करेगा ना? Wavelength बड़ा है भाई। Three is the answer. ठीक है। Now let's move to next question. 40 number question क्या? With reference to blockchain technology, consider the following statement. It is a public ledger that everyone can inspect. But which no single user can control. वाला बस सही है। The structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrency only. अब कतई गलत है। Blockchain को 50 चीज में यूज कर सकते हैं, cryptocurrency थोड़ा यूज करेंगे। Two is definitely wrong. Two wrong है तो B और C हट गया। आपने बस ये पता चल गया A और D में से आंसर है। यानी one definitely correct है, जो मैं ऑलरेडी पता लगा चुके। अब थर्ड चेक करना है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? Application that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. हाँ बनाया जा सकता है। इसमें permission का भी regulatory body कुछ बनाई नहीं ऐसा। उस पे काम कर रहा है तो दी इज द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? एक तरह का नैनो मटेरियल है, पॉपुलर नैनो मटेरियल इसका इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मैकेनिकल इंडस्ट्री में काफी हेवी यूज है, इनफैक्ट इसका काफी लॉन्ग टर्म इसका एप्लीकेशन है। इसके बारे में देखते क्या जानकारी पूछा है। दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन ह्यूमन बॉडी, सही बात है, ये कह सकता है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये थोड़ा गलत है क्योंकि देखिए अब कार्बन नैनो ट्यूब है, अब आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज से बनाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ तो जुड़ा हुआ बात होगा, इम्पैक्ट कर सकता है ह्यूमन बॉडी को ब्लड के थ्रू, ये टू वाला पार्ट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, या दे कैन बी यूज्ड, डेफिनेटली दे कैन बी यूज्ड। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये बात भी सही है, कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है, कार्बन है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैन बी बायोडिग्रेडेबल। आंसर इज 1, 3, and 4, सी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट यूजिंग ड्रोन्स, अच्छा ड्रोन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये बोल दिया एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है। 42 का वन नंबर स्टेटमेंट क्या? स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, ये कर सकते हैं, ड्रोन ऊपर उड़ रहा है पेस्टिसाइड हम लोग ग्राउंड में मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ये भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है? कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स फ्रॉम स्पॉटिंग वेल्स ऑफ ब्लड फॉर डीएनए, ये भी कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, आंसर है डी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइट्स ऑन 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विद लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट, एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन रेफरेंस टू, इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट संदर्भ में बात किया गया वो बताना। अब देखिए पूरा कहानी घाटा में इतना तो पता चलेगा स्पेस के बारे में बात हो रहा है और फिर लेजर का यूज जरूर हो रहा है, तो इसमें से किसी का नाम में लेजर है, है अपने पास लीजा है, लीजा पाथफाइंडर, इवॉल्व लीसा। अब ये बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो इंप्लॉय करेगा ट्रायो स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन्फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द एक्सपेरिमेंट, अभी देखिए एक्सपेरिमेंट है तो इवॉल्व लीसा इज द मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है डी, इसका आंसर है डी, इवॉल्व लीसा। लेजर लिखा था देखिए आइडियली सी और डी होना चाहिए, और लीजा पाथफाइंडर को ऐसा इनिशिएटिव का पता नहीं है अपने को, इवॉल्व लीसा अपने को पता है, डी इज द आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, सही बात है। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, ये भी किया सकता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रायो ऑफ अ पिग, ये बात सही है। देखिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से खास बात यही है कि हम लोग किसी भी स्पीशीज का जीन को लेकर किसी डिफेक्टिव जीन से मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं डीएनए थेरेपी के थ्रू। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, पर्सन का जीनोम भी हम लोग एडिट कर सकते हैं बर्थ के टाइम भी, और उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टू अ डिजायरस लेवल। इसलिए 44 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 1, 2, 3। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया? अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बेसिकली न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या होता है, वो वैक्सीन जो न्यूमोकोकल डिजीज को प्रिवेंट करता है। न्यूमोकोकल डिजीज क्या होता है, वो डिजीज जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके फुल फॉर्म में न्यूमोकोकाई भी आता है, तो उसके नाम पर न्यूमोकोकल वैक्सीन रखा गया नाम। बैक्टीरियल कॉज जो डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, उस संदर्भ में स्टेटमेंट है, उससे पढ़ते क्या दिया हुआ है।
दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस सेप्सिस, ये लबस सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, ये वाला बात भी सही है। दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन, ऐसा कुछ एक्चुअल बात हमें जानकारी नहीं है। थर्ड को रॉन्ग मानेंगे अपना, बी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट आंसर है। करंट अफेयर्स चल रहा था उस टाइम पे, उसका सवाल है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिक्योरिटी में मेनली यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स जो है जनरल साइंस का पार्ट है, जो हम लोग क्लास 6 7 में 2 3 में पढ़ते सेल डिवीजन के टाइम पे, प्लांट सेल्स एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल, उसे संदर्भ बात पढ़ते हैं। प्लांट सेल्स हैव सेलुलर सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, बात सही है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स व्हिच वी डू, रॉन्ग बात है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल वाइस एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर 103 इज द आंसर। आपको देखिए इसके लिए प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझने लग नया कॉन्सेप्ट है नहीं। प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर एक होता है जिसमें वैक्यूल न्यूक्लियस आपको देखने मिलेगा, आप वो डायग्राम इमेजिन कर लोगे तो आंसर मार्क कर पाओगे, याद होने से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज स्किप करना। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट डेफिनेटली, टोबैको इसका बट से बहुत सारा निकलता है, मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, फूड बर्निंग से भी डेफिनेटली निकल सकता है, 1, 2 और 3 तो पक्का है, 1, 2, 3 पक्का, तो अपना ऑप्शन आया था ए और डी, अपने को 4 और 5 में चेक करना है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरिथेन और वार्निश वुडन फर्नीचर, ये मैं श्योर नहीं पर ऐसा देख के लग रहा है कि इसमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से अपने ए मार्क करेंगे उस कॉन्फिडेंस पे कि 1, 2, 3 सही है पर 4 रॉन्ग है, इस हिसाब से ए मार्क करेंगे, वो ऑप्शन सही है, रिस्क लेना बनता है एग्जाम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिक केमिस्ट्री का सेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो पैसा रिस्क लेना पड़ेगा, जैसा मैंने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, अब समझ लीजिए मानते हैं भविष्य में कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो इंडिया से क्या स्टेप अभी से रेडी करके रखे कि उसको फ्यूचर में वो प्रोटेक्टेड रहेगा ऐसे माहौल से। स्टेटमेंट पढ़ते क्या बोल रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बॉरिंग, बिल्कुल सही, हम लोग क्यों भाई फॉरेन बॉरिंग का शॉर्ट टर्म, मैंने आज वो दिया कल निकाल लेगा तो हम लोग तो अनस्टेबल रहेंगे ना, शॉर्ट टर्म फॉरेन बॉरिंग से कम डिपेंडेंट रहेंगे, सही प्रोसेस है, वन इज राइट। ओपनिंग अप टू फॉरेन बैंक, अगर फॉरेन बैंक वाले कंपनी खोल देंगे तो हमारा इकोनॉमी और फॉरेन बैंक का इकोनॉमी जो जिस कंट्री का है उससे हम लोग कंट्री इंटरलिंक हो जाएगा, तो चांसेस है कि हम लोग इकोनॉमी अगर वहाँ पे कुछ क्राइसिस हुआ तो हम लोग तो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो ये बात हम लोग गलत है, ये काम लोग कम से कम करना ट्राई करेंगे। स्टेटमेंट क्या, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, और बात भी गलत है, अगर हम लोग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रखेंगे तो कोई हमारे पैसा डाला और कल वो पूरा लेके जा सकता है, उसको इतना ज्यादा मिल जाए इस भी फॉर्म में पैसा रखा है कन्वर्टेबल करके, तो वो लोग तो भाई पैसा डालेंगे नो डाउट, पर वो हॉट मनी बन जाएगा, हॉट मनी बन जाएगा उससे अपना क्राइसिस आ सकता है, इंडोनेशिया पहले आ चुका है, डेफिनेटली रॉन्ग आंसर है ए मेरे हिसाब से। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ यू विदड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट है मने कि हम कुछ पैसा डाले जब चाहे निकाल सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट बोलता है, इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी जीरो, कुछ भी नहीं, सेम रहेगा, अनचेंज्ड, भाई मेरा अकाउंट है, मान लिया पैसा पहले मेरे पास था, मैंने बैंक में डाल दिया और वो कभी भी निकाल सकता हूँ, उस पैसे से बैंक ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो अभी मैं इसको निकाल लिया ऑफिस मेरे पास आ गया, तो नेट सर्कल में जो मार्केट में पैसा घूम रहा है वो बदला थोड़ी ना, मेरा पैसा मैं अपने घर में रखता मैंने बैंक में डाल दिया, बैंक से लेके मैंने खुद निकाल लिया, डिमांड डिपॉजिट था तो बैंक भी उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकता लोन फॉरवर्ड करने के लिए, अगर टाइम डिपॉजिट होता तो बैंक उसको लोन में फॉरवर्ड करता है, एफडी वाला अमाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट वाला अमाउंट होता, तो इसलिए इसका आंसर है डी, आई अंडरस्टैंड। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक, एफडीआई बेसिकली आपको पता होगा कुछ टाइम पहले कमेटी बैठी थी जिसने बताया एफडीआई वो है जो 10% से ज्यादा स्टेक लेके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो लॉन्ग टर्म रहने का संभावना ज्यादा है, उसको एफडीआई बोल दी, इससे लेस जो भी आ रहा है उसको हम लोग एफपीआई में क्लासीफाई करेंगे, इस लॉजिक से एफडीआई डिफाइन किया गया, पहले प्रोविजन अलग था अब प्रोविजन अलग है। अब बढ़ते स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इट इज इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी, वो सकते हैं पर नहीं इतना एक्यूरेट नहीं, इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, ये बिल्कुल सही बात है, इससे देखिए अगर वो एफडीआई अपने को दे रहा है तो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बन रहा जिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो खाली बिजनेस को ग्रो करने पर फोकस कर रहा है, मेनली ग्रीन फील्ड पर ज्यादा काम करता है, तो इट इज नॉट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है, ठीक है, इज आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग नहीं करेंगे इसको यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर में क्रॉस दिया है, तो स्टेटमेंट में गड़बड़ है इसलिए ये क्वेश्चन को ऑफ आउट किया गया। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन यूज़ रेफर्स टू अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, एक बात है क्रूड ऑयल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इधर का ग्रेड है क्रूड ऑयल के लिए, तो ऑयल का ऑयल का प्राइस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नॉन फाइनेंशियल डेट हाउसिंग लोन ओड बाय द हाउसहोल्ड्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स ट्रेजरी बिल्स, व्हाट इज द आंसर, तीनों ही सही है, तीनों जो है वो नॉन फाइनेंशियल डेट के अंदर आता है, डी इज द आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड्स बट अदर्स आर नॉट, तो क्वेश्चन बताते हैं कि आईएईए बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या करता है, न्यूक्लियर सेफ्टी प्रमोट करता है और कोशिश करता है कि मिलिटराइजेशन ना हो न्यूक्लियर पावर का, ये की फंडा है, और सिविल पर्पज भी ज्यादा रेगुलेट करता है, मिलिट्री पर्पज से ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपने पढ़ते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट सही होगा, सम यूज यूरेनियम अदर यूज थोरियम, अभी तक ऐसा कोई गारंटी नहीं है पर हाँ इंडिया में थोरियम ज्यादा है, यूरेनियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई, ये ज्यादा सही लग रहा है।
सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइज, अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइज. ठीक है, फॉरेन एंटरप्राइज कोई ऑपरेट नहीं कर सकता इंडिया में, इंडिया में फॉरेन एंटरप्राइज ऑपरेट नहीं कर सकता. इंडियन गवर्नमेंट ये ऑपरेट करती है न्यूक्लियर सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, समझ लो ना. तो सी इज गलत डेफिनेटली. सम आर स्टेट ओन, अदर्स आर प्राइवेटली ओन. प्राइवेटली ओन तो है नहीं, बी को हटाई दो. इसका आंसर है बी. अगर बी के समझाएंगे इसमें देखिए ए से सबसे अच्छा बी है, तो ए और बी में तो बी राइट आ गया. 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड. बिल्कुल सही बात है. ट्रिम्स का बेसिकली मतलब क्या है कि हम लोग ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर क्या रेगुलेशन है, वो इस मेजर्स के थ्रू होता है. ठीक है. सेकंड क्या, दे अप्लाई ऑन टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. बन गलत है. थर्ड क्या, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये बात सही है, आंसर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट संबंधित नहीं है भाई. 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट इट नॉट डू. बेसिकली आइडिया क्या है, आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, माने मार्केट में पैसा डाल रहा है, अकोमोडेटिव स्टांस ले रहा है, तो उसमें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बोलते हैं. तो स्टेटमेंट पढ़ते क्या है, बट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये कर सकता है आरबीआई, नॉट पूछा, नॉट पूछा तो ये आंसर नहीं होगा, पर ये आरबीआई कर सकता है. नॉट डू बोला तो ये तो कर सकता है. क्या, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अगर आरबीआई करता है तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई बैंकों को पैसा देने के लिए MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली क्या, बैंकों को पैसा देने के लिए आरबीआई का प्रोविजन है जिससे इंटरबैंक ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं. तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज सही, ये आरबीआई काम करेगा इंक्रीज, सॉरी आरबीआई डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा. स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर के साथ सही हो जाएगा, नॉट पूछा. बट क्या, कट द बैंक रेट रिपोर्ट. अगर बैंक रेट रिपोर्ट आरबीआई करता है कट, इससे क्या होगा कि बैंक जो है लोअर रेट पे लोन दे पाएगी मार्केट में, इससे मार्केट में पैसा बढ़ेगा. ठीक है, तो ये पॉसिबल मेजर जो आरबीआई कर सकती है, तो नॉट में वाला बात भी गलत हो जाएगा. कर सकती है तो ये नॉट में गलत हो जाएगा. आंसर है टू ओनली, शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. थ्री नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रेगुलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज व्हाइल डिक्रीज इन रूरल एरियाज. गलत है, ये तो हो नहीं सकता. द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज. ये बात गलत है, ये स्टेडली नहीं बढ़ेगा. तो ऐसा बढ़ सकता है कि अभी बटा फिर हल्का कर गया फिर बढ़ गया, पर स्टेडली नहीं बढ़ा, इसे टू गलत है. अब वन और टू गलत है, ये हट गया अपना बी और सी बचा. अब पढ़ते हैं फोर नंबर स्टेटमेंट क्या है, ग्रोथ रेट इन रूरल डिप्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज. ये बात सही है, तो ये सही है. तो अपने बी आंसर आ गया, मतलब थ्री भी डेफिनेटली सही है. आंसर है बी. ये उस टाइम का सवाल है, ये उस टाइम ये करंट अफेयर्स में चल रहा था, इकोनॉमी एनालिसिस के ऊपर चल रहा था बात, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन आया. फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. ये वाला बात गलत है. शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट डिलीवरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर 75% कहीं ना कहीं रीजनल रूरल बैंक का प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कोटा होता है, और उसमें मैक्सिमम वो एग्रीकल्चर को देता है. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये इतना ज्यादा एग्रीकल्चर को फंड नहीं कर पाते जितना कि रीजनल रूरल बैंक करता है. अगला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्लियर कट बात. और शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी जो है भले वो परसेंटेज वाइज इतना ज्यादा नहीं करता हो, पर वॉल्यूम वाइज बहुत ज्यादा करता है. तो नेट वैल्यू के टर्म्स में शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो मोर क्रेडिट लेंड करता है एग्रीकल्चर को देन द कोऑपरेटिव, जिसका स्केल बहुत कम होता है, छोटा स्केल होता है. इसलिए इसका आंसर वन गलत है. सेकंड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. बिल्कुल सही बात है, यही पर्पस इसको बनाया गया था इसी को प्रमोट करने के लिए. आंसर है बी. 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड पूछा है, इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स. ठीक है, साइबर इंश्योरेंस. अब देखिए साइबर क्राइम बढ़ गया है, साइबर इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगा. ऑनलाइन कोई क्राइम कर गया, पैसा छीन लिया, कुछ सामान खराब कर दिया, तो आपको इंश्योरेंस चाहिए ना भाई, उसके लिए प्रोविजन आया था. इसमें बढ़ते क्या क्या सही है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर. ये वाला सही है. कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन विलफुली डैमेज इट. ये तो गलत है ना, आप बोल दूँ कोई ना कंप्यूटर तोड़ के चला गया हम प्रूव कर देंगे, तो कंप्यूटर का पैसा थोड़ी ना देगा यार, इंश्योरेंस का मतलब ही क्या हो गया. कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज लॉस. यस, ये काम कर सकते हैं. आपको लगभग नुकसान हुआ, कंसल्टेंट को हायर कीजिए, वो आपका कॉस्ट लॉस मिनिमाइज कर देगा, तो वो काम कर सकते हैं. और क्या है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल सूट. ये भी बिल्कुल बात है, अगर इसके बाद कोई लीगल झमेला हो गया तो वो भी कवर होना चाहिए इंश्योरेंस के अंदर. तो 134 इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, बी इज द आंसर. ये करंट अफेयर का सवाल है, उस टाइम के आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं बोला तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सवाल कभी नहीं पूछे. 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. अब इनमें से क्या चीज है जो पब्लिक इन्वेस्ट करता है, माने गवर्नमेंट. पब्लिक इन्वेस्टमेंट माने गवर्नमेंट, टैक्स मनी, पब्लिक मनी जो होता है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप. ये गलत है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आता. सेकंड क्या, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. यस, एक तरह का हम लोग का आप समझ लो कि क्रेडिट लेंड, क्रेडिट का पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर में क्रेडिट मिलेगा तो फार्मर्स अपना क्रॉप ग्रो कर पाएंगे. एक तरह का इनपुट समझ लो इन्वेस्टमेंट हो गया इनपुट साइड में, सेकंड वाला पार्ट. थर्ड क्या है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट. थर्ड क्या, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट. यस, ये वाला बात बिल्कुल सही है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट भी एक तरह का. सोशल कैपिटल मतलब क्या, कि लोगों का ग्रुप बना दिया हम लोगों को, समझ लो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया मान लीजिए, ये ऐसा कोई सोशल कैपिटल. ग्रेट सोशल कैपिटल इज बेसिकली एक दूसरे से लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उस पार्ट को सोशल कैपिटल बोलते हैं. ट्रस्ट, सोशल कोहिजन, ये सब सोशल कैपिटल के अंदर आता है. तो ये भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही बात है. तो उसके बाद क्या है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स. देखिए ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक तरह का सब्सिडी फ्री भी बोल सकते हो आप. लेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट तब होता है जब से रिटर्न आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट इज समथिंग ऑन विच यू एक्सपेक्ट रिटर्न.
इससे हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, भाई चलो ठीक है नुकसान ना हो लोगों के हिसाब से, इसलिए रॉन्ग हो गया। ये भी उसी पर्पज से दोनों है। इससे क्या है, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, बिल्कुल सही। अब ये सब देखिए, ये तीन मेजर है ना, 2, 3, 6, इससे क्या है, लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ है, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है इससे लोगों का कैपेबिलिटी बढ़ेगा और लोग खुद से इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न गेन कर पाएंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट है। That's why it is written public investment, not public cost, public subsidy. ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टमेंट माने वी एक्सपेक्ट अ रिटर्न इन दैट। सो 2, 3, 6 इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, आंसर इज सी। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। वो लोन आपने लिया उसका एक ब्याज था, इंटरेस्ट जो आपको चुकाना पड़ता है लोन के बिहाफ में रेगुलरली, और पीरियड फिक्स्ड पीरियड जो लोन के टाइम डिसाइड किया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का नहीं है, तो कोई भी आपको रिस्क क्यों लेगा भाई आपको पैसा देने का। लोग चाहेंगे ना भाई सेफ रहे पैसा हमारा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर कुछ टाइम के लिए होता है तो बैंक को ट्रस्ट होता है कि आप कुछ पैसा चुका पाओगे, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, इट हैज अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क, ये सही है। सेकंड क्या, इट हैज एन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ फर्म दैट बैंक इज गिविंग लोन टू, ये भी सही है। 2, 1 और 2 दोनों सही है। अब दोनों में अभी प्रेजेंट और फ्यूचर रिस्क, प्रेजेंट और फ्यूचर रिस्क दोनों में इसी से पता चलेगा, 1 और 2 सही है। द हायर अ फर्म्स बोरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इट इज एबिलिटी टू चेक डेट, नहीं ये गलत है। इतना हायर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना अच्छा है, उतना हम ज्यादा सर्विस कर पाएंगे अपने डेट को, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो अपना answer is 1 and 2 is the answer. Now let's move to the next question. 63 number question kya bol raha hai, which of the following factors policy were affecting the price of rice in India in recent past. Chawal ka daam kaun kaun sa cheez se prabhavit ho raha hai, MSP se ho sakta hai, lekin dekhiye recent bola hai, recent past bata raha hai, MSP ya MSP se prabhavit ho raha, bilkul government trading, bilkul agar government trade karne laga rice mein, kam kam beshi ho sakta hai, government agar export kar raha hai to us hisab se ya fir import kar raha hai to us hisab se, government trading mein fark padega, government stockpiling, ab FCI mein leke government ne rice rakh diya, ek tarah ka rice ruk gaya market mein, aur samajh lijiye bahar market mein agar rice nahi hai to price ka effect padega na yaar, to ye wala baat bhi sahi hai। कंज्यूमर सब्सिडी, अगर कंज्यूमर को 1 रुपीज से 2 रुपीज पर केजी राइस पे दे रहे हो, मार्केट का प्राइस इन जनरल वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो ये वाला बात भी सही है। आंसर होगा चारों सही, दी इज द आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, मतलब कंसिस्टेंटली तो इंक्रीज कर ही नहीं सकता ना भाई। सेकंड नंबर बात क्या है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, दिस इज करेक्ट। बांग्लादेश में बहुत सारे टेक्सटाइल का मार्केट है, इंडस्ट्री है, तो वो ट्रेड का हमारा एक अच्छा कंपोनेंट है, ठीक है। 2 इज राइट, 1 इज रॉन्ग। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। देखिए इनमें चार चार करके ग्रुप और कंट्री दिया गया है, आपको बताना है कि ऐसे कौन से ऑप्शन में चारों कंट्री G20 के मेंबर है। आपको बताना है G20 इकोनॉमिक ग्रुप है, इसके अंदर 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन है, उस हिसाब से अपने ऑप्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन क्या है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, तो यही आंसर हो गया, चारों पहले ऑप्शन में मिली अपने को, बाकी चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसान को मिलता है, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको पैसा बाद में मिलता है, वो उस उधारी पर जिए नहीं, अपना पैसा इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंटिन्यू रखे, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बनाया गया। अब किस पर्पज के लिए दिया गया, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। देखिए किसान को क्रेडिट किस लिए चाहिए, फार्म पर जो सामान है उसको मेंटेनेंस करना तो पड़ेगा ना भाई, अगर समझ लो हाल रख के रखा है पर्टिकुलर टाइप का, उसको मेंटेनेंस के लिए क्रेडिट चाहिए हो सकता है। वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल एक कीवर्ड है, वर्किंग कैपिटल में काम दिया जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर और मिनी ट्रक्स। भाई देखो अब किसान क्रेडिट में शॉर्ट टर्म लोन देना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि आप बड़ा बड़ा मशीन और हार्वेस्टिंग ट्रक खरीद के एकदम लगा दो लाइन से, पैसा लेकर मजे थोड़ा करना है, तो टू इज रॉन्ग। थर्ड या कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड, बिल्कुल सही। अगर किसान भूखा नहीं मरना चाहिए, देखिए अब किसान अगर उसको क्रेडिट चाहिए तो किस लिए चाहिए होगा, खेती बाड़ी दोबारा करने के लिए, या उसका पैसा रुक गया तो उसका खाना पीना नहीं रुकना चाहिए, तो कंजम्पशन के लिए भी रिक्वायरमेंट अलाउ किया गया। फोर्थ क्या, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। अब किसान क्रॉप उगा लिया है तो उसको मार्केट मंडी में लेके जाना है, वो हार्वेस्ट करना है, उसके संबंधित जो बेसिक कॉस्ट लगे छोटा वाला कॉस्ट वो भी उसको कवर किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज, नहीं भाई ये तो बड़ा इसका एक्सपेंडिचर है, हाउस एक दिन थोड़ा बनता है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एक दिन थोड़ा बनता है, और अकेले के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी थोड़ा बनाएंगे, तो ये 5 वाला स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए अपना आंसर आ जाता है बी, 1, 3, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है, देखिए सीपीआई माने एक इंडिविजुअल कंज्यूमर पर बात कर रहा है, कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर के लाइफ में फूड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले करता है, उसका मैक्सिमम परचेज जो होता है फूड से रिलेटेड होता है या फूड के इर्द-गिर्द घूमता है प्राइमरी, लेकिन फूड तो 3 टाइम इंसान खाएगा ही, तो उसमें लॉजिकली भी आप देखो, अगर नहीं पता कि CPI WPI में क्या कंपोनेंट है तो भी आप सोचो तो कंज्यूमर के टर्म में फूड का जो वेटेज होगा वो ज्यादा होना चाहिए WPI से। WPI पूरा मार्केट का होलसेल प्राइस इंडेक्स को रेफर करता है, तो उसमें जो मैटर है वो हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर फूड जो है हर कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वन इज करेक्ट। सेकंड क्या है, WPI डज नॉट कैप्चर द चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, WPI गुड्स के प्राइस को कैप्चर करता है, सर्विस का नहीं कर पाता, CPI वो काम को करता है, 1 और 2 इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स न्यू की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। नहीं भाई, हम लोग CPI जो है उसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूज करते हैं अपने कंट्री के अंदर, CPI कंबाइंड इज आवर हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिकेटर जो RBI मेजर करता है। दैट इज रॉन्ग, आंसर क्या आ गया, आंसर इज ए। स्टेट नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुछ रिवर दिया है वो कहाँ फ्लो फाइनली फ्लो इनटू करता है, उस पर मैं कॉलम करता हूँ। पहला मेकोंग, मेकोंग देखिए आपको पता है साउथ ईस्टर्न
साउथ ईस्ट एशियन रिवर है, अंदमान सी में तो नहीं जाएगा, साउथ चाइना सी के आसपास जाएगा, तो वन इज डेफिनेटली रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, तो ए और डी कट गया। अपने वो फोर नंबर चेक करना, फोर नंबर चेक करेंगे आंसर मिल जाएगा, बाकी में टू तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया और थ्री राइट है डेफिनेटली, ठीक है। और जाम्बेजी, जाम्बेजी जो है जो अफ्रीकन रिवर है, लॉन्गेस्ट ईस्ट लिंग अफ्रीकन रिवर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसा होता है और यहाँ पे उसकी इस साइड में क्या होता है, इंडियन ओशन ही होता है, तो फोर इज करेक्ट, अपने पास फोर करेक्ट है तो आंसर सी हो गया। आर यू अंडरस्टैंड? और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया, बात गलत है। देखिए ऑल सीरियल पल्स बोला, ऑल सीरियल, ऑल पल्सेस, ऑल ऑयल सीड्स, प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी इज अनलिमिटेड। अब समझ लीजिए सारा कोई भी दाल हुआ के ला रहा है, कोई भी चावल हुआ के ला रहा है, कोई भी मैंने ऑयल सीड हुआ के ला रहा है, तो वो सब थोड़ी ना खरीद लेंगे, हम लोग ऑयल सीड इंपोर्ट क्यों करेंगे, हम सबको एमएसपी देकर बोलेंगे आप देसी में हो ऑयल सीड मजा आएगा, ये हम लोग नहीं कर रहे भाई। हम लोग इतना एक्स्ट्रा लेकर एफसीआई में थोड़ा गोडाउन को भरना, ऑलरेडी भर भर के ओवरफ्लो हो रहा है, वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट ड्यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ये बात गलत है भाई। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नॉट कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का पर्पस ये है कि अगर कोई क्रॉप फार्मर ग्रो कर रहा है उसका नुकसान ना हो, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस रूट में पहुंच ही नहीं सकता जितना एमएसपी दे रहे हैं, तो मार्केट क्यों भाई अपना काम करेगा, मार्केट एमएसपी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो एमएसपी का मकसद ही खत्म हो गया, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा डी, और लॉजिकली सोचेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको बताना सही गलत क्या है। पहला कमर्शियल पेपर जो होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, ये बात सही है, अनसिक्योर्ड होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू कॉर्पोरेशन, गलत है बात। थर्ड क्या, कॉल मनी, कॉल मनी ऐसा इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। कॉल मनी उसी पर्पस के लिए होता है कि आप रातों रात आपको मैनेज करना अपना सीआरआर एसआरआर कुछ भी रेशियो मेंटेन करना, तो बैंक एक दूसरे को बोलता है भाई आप मुझे कुछ अर्जेंट पैसा दो, इंटरेस्ट रेट हाई होता है ऑब्वियसली, और वो कॉल मनी के अंदर आता है, ओवरनाइट के लिए जनरली यूज होता है उसको, दैट इज राइट। और क्या, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट है नहीं, समझ लो, तो उसमें फेस वैल्यू से कम प्राइस में उसको बेचा जाता है और फेस वैल्यू रिम्बर्स होता है, तो फोर इज डेफिनेटली रॉन्ग, वन और थ्री सही है, आंसर होगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस आर फॉलोइंग पेयर्स, अब इंडिया कल्चरल हिस्ट्री के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया है, अपने को मैच करके देखना है। परिव्रजका, अब ये जो है ना उपासक, उपासक तो बुद्धिज्म में होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं उपासक, तो थ्री इज राइट, इज राइट, तो अपने पास ये तीन ऑप्शन आ गया, मैंने एक हट गया। अपने पास क्या है, श्रमणा, श्रमणा प्रीस्ट ऑफ विथ हाई स्टेटस, नहीं भाई श्रमणा ये नहीं होता, परिव्रजका रिनंसिएट एंड वंडर, यस परिव्रजका वंडर के टर्म में रिलेट हम कर पा रहे हैं, आंसर होगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन एलिफेंट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करना है, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, सही बात है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, बस सही है, 22 महीना हो सकता है मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान। एन एलिफेंट कैन बी नॉट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग, कार्विंग माने बच्चा पैदा करना है, टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, गलत है। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, ये बात गलत है, कर्नाटका में रायगढ़ एलिफेंट पॉपुलेशन, अपना आंसर होगा ए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, कावेरी यानी कि तमिलनाडु त्रिची, इसकी बड़ा सीन है, तमिलनाडु त्रिची के आसपास कावेरी बेसिन है, वहां पे कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया हो सकता है, अपने को गेस करना है, अरे पता करना, अगर पता तो बहुत अच्छा, गेस करना। वायनाड तो केरला में पड़ता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो सकता है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश लग रहा है तो 2 हटा देते हैं, नागरहोल कर्नाटका रीजन में हो सकता है, 2 हटा के 1 सही, 2 हटा दिया तो वह ए और डी हट गया, 1 सही तो सी आंसर आ गया अपने पास, 73 का सी सही जवाब है, लेकिन लॉजिकली सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ज्योग्राफी के साथ सॉल्व किया। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, इलॉन फ्रॉगमाउथ पॉपर स्मिथ बार्बेट एंड ग्रे चिन मिनीबेट व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर, देखिए अगर मैं से पूछे ना यहीं पर मैं समझ गया था बार्बेट लिखते हैं कि बर्ड का बात चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ आपको गेस करने में ईजी होता है, मुझे नाम याद भी नहीं है फिर मुझे पता है ये बार्बेट मिनीबेट इसे बर्ड में लिखा था सर नाम, इस लॉजिक से मैंने सॉल्व कर लिया। अब 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर बारा सिंघा दैट लिव्स दैट थ्राइव्स वेल ऑन द हार्ड ग्राउंड एंड एक्सक्लूसिवली ग्रामीणिवोरस, समझिए बारा सिंघा का बता रहा है, देखो स्वाम्प डियर बोलते हैं, ये कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे जिसको जाना जाता है इसी के लिए स्वाम्प डियर के लिए, इसका आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सवाल, इसका आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिल स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, हिल स्लैग समझ लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड बिल्कुल हो सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल चांसेस कम लग रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बिल्कुल, 1 और 3 तो डेफिनेटली सही है, एग्रीकल्चर सॉइल में इसका यूज बनता है कि नहीं बनता है ये आपको नहीं पता, और सिंस हम लोग समझ सकते हैं कि स्टील स्लैग है तो उसका सॉइल में क्या यूज हो सकता है कि नहीं होता वी आर नॉट श्योर अबाउट, तो हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, हम लोग डी के समझाएंगे, एक गैस लेके चलेंगे, डी इज द आंसर अकॉर्डिंग टू अस। ऐसा रिसा को लेना पड़ेगा कई बार क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गेस करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर है कि आपको जनरली पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है कि नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, उस हिसाब से गैस मानना चाहिए, ठीक है, 50% रिस्क में ये गेस मारना बनता है, अदरवाइज मत मारिए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, मस्क डियर जो है नेचुरल हैबिटेट, देखिए ऐसे नहीं बोला घर में मस्क डियर रखे रखे तो उसका लोकेशन बताइए, नेचुरल हैबिटेट में कहाँ मिलता है, इसका आंसर है एस्कॉट एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, ए इज द आंसर।
जब मानस वगैरह में नहीं मिलता ये पक्का है तो पूरा हट गया, अपने पास बचा ए और बी। ए और बी में हमको एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ए इज आंसर, काम खत्म। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता था ऐसा क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। अब देखिए, जो ग्रामीण सड़क बनाते हैं उसमें हम लोग क्या ऐसा पर्टिकुलर सामान यूज करते हैं जिससे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे और कार्बन फुटप्रिंट उस जगह कम। कॉपर स्लैग सही है, ओल्ड मिक्स ऑफ एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी ओके एंड हॉट मिक्स ऑफ एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इतना पक्का है कि 2 और 4 साथ में नहीं हो सकता, कोल्ड और हॉट मिक्स दोनों यूज करेंगे नहीं हम लोग। 2 और 4 जहां पर उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बी हट गया, अपने पास बचा ए सी और डी, उसमें 1 अपना सही है, अपने पास बच गया ए और डी में से एक सही आंसर होगा। अब देखिए, अपने को पता है कि 2 और 4 में से एक होना ही है, ऑटो कोल्ड में होना ही है, तो आइडियली 2 और 4 में एक कहाँ पे एम है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, पूरा लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक यूज किया गया इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं किया गया, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मेथड आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व किया गया। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल ऐश कंटेंस आर्सेनिक लेड एंड मर्करी, हो सकता है कोल फायर पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट, सही बात है। आईएस कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, बिल्कुल सही बात है, तीनों सत्य जवाब, 79 का तीनों सही जवाब, 79 का डी आंसर है, एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर, तीनों में सही है। इंडिया में क्या होता है, सेकंड ग्रेड ऑफ कोल मिलता है, एंथ्रासाइट जो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है वो इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास या एक साइड पर मिलता है, तो हम लोग मैक्सिमम ऐसा कोल इंपोर्ट ही करते हैं, मैक्सिमम हम लोग सेकंड ग्रेड ऑफ कोल यूज करते हैं इंडिया में जिसमें हाईएस्ट कंटेंट होता है, इज आंसर। अब 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग यूज ऑफ बायोचार, बायोचार फार्मिंग में कैसे यूज होता है, कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, ओके सही लग रहा है। एंड बायोचार इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। एंड बायोचार इज प्रेजेंट ऑन ग्रोइंग मीडियम, इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, ये बात भी सही है, ये भी सही लग रहा था, तो तीनों सही लग रहा है अपने को, अपना आंसर है डी। देखिए, अपने को समझना पहले बायोचार क्या होता है, बायोचार आपको नहीं भी पता समझ लीजिए तो गेस करके देखिए, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात चल रहा है, बायो है, चार माने कार्बन होगा, कार्बन होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात चल रहा है, और फार्मिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से यूज आ सकता है वो सोचना, कार्बन कहाँ का रिलेटेड है सॉइल में, फार्मिंग में, और एस्पेक्ट आपको सोचना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इंप्लिकेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल कुल मिलाकर होते हैं, तो 1 और 2 में हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज को एनिमल्स के रखा जाता है, प्लांट्स के रखा जाता है, और 4 और 5 वाले शेड्यूल है उसके अंदर किसी भी एनिमल को हम वर्मिंग डिक्लेयर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कल किया जा सकता है। 3, 4 और 6 में भी कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन है, 6 में बेसिकली क्या होता है, कोई अगर ऐसे प्लांट स्पीशीज है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा टू कल्टीवेट द प्लांट, बिकॉज एक्जॉटिक होते हैं लोग, इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर 81 का ए। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटाशाला कदुरा एंड चौल वेर वेल नोन एज पोस्ट हैंडलिंग 400। देखिए, ए आंसर है, फैक्चुअल सवाल है, आपको नहीं पता तो स्किप करने का, ऐसा क्वेश्चन स्किप करने लायक होता है, नहीं पता तो स्किप, बिकॉज दिमाग लगाने से कुछ नया तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, ए आंसर है। एक लॉजिक भी है, जनरली लोग ऐसा कुछ जगह का नाम बोलते हैं तो वहाँ पे ट्रेड संबंधित बातें होती है, उस तरह से आप गेस कर सकते हो। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज अदर एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, जीरो टिलेज माने कि हम लोग बार बार उसको टिल नहीं कर रहे लैंड को, तो क्या बेनिफिट हो सकता है, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, बिल्कुल सही, हम लोग टिल नहीं कर रहे, सीधा हम लोग टिल करके अंदर डाल दे रहे हैं, इसी में टेक्नोलॉजी राइस का आया था, तो जैसे हम लोग राइस को सीधा प्रेशराइज करके सीड के अंदर डाल देते हैं, हमको क्लीन करना ही नहीं पड़ता आफ्टर हार्वेस्टिंग, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेस्टिसाइड इन वेट सॉइल इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, ये भी सही बात है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, आपको पता होगा अपना बायोफ्यूल पॉलिसी इंडिया का 2018 में लागू हुआ था, पॉलिसी के तहत हम लोग अभी 4 जनरेशन तक सपना देख चुके हैं और 2nd जनरेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोफ्यूल बायोडीजल ये सब उसी में उसी का बात चल रहा है, तो किस चीज को रॉ मटेरियल के तहत यूज कर सकते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल के तहत हम लोग उस चीज को यूज करेंगे फर्स्ट, जिससे हम लोग को फ्यूल मिले, अच्छी संख्या में फ्यूल मिल सके, ताकि जितना फ्यूल मिले उसको निकालने में जो एनर्जी लगा वो ज्यादा ना हो, ऐसा भी आइटम हम लोग रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे कि हम लोग इतना सारा चीज उसको यूज किया और इतना सा फ्यूल निकला, हम लोग कॉस्ट ही ज्यादा लग गया, उस फ्यूल का क्या बेनिफिट, समझ ना, तो ऐसा मटेरियल जिसे फ्यूल सफिशिएंट निकले ताकि कॉस्ट कवर हो, ये फिलोसॉफी के बेस्ट हमें रॉ मटेरियल चूज करना, कसारों को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, डैमेज वीट ग्रेन बिल्कुल कर सकते, डैमेज को अब डैमेज होगा तो क्या ही फायदा है, ग्राउंड नट से बहुत ही कम निकलेगा तो 3 हटा दीजिए, और ग्राम तो सूखा पड़ा है तो हटा दीजिए, शुगर बीट से हो सकता है, रोटेड पोटेटो हो सकता है, ये 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 हटाते हुए देखते हैं, 4 हट गया, अपने पास बचा 1, 2, 5, 6। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन माने कार्बन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सोशल कॉस्ट क्या पड़ रहा है, वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इट इज अ मेजर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, बिल्कुल सीधा सा बात है, इतना CO2 हम एमिट कर रहे हैं वातावरण में, उसके लॉन्ग टर्म डैमेज सोसाइटी में हो रहा है, दैट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इज द आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू पर्स प्रोडक्शन इन इंडिया, दाल का जो उपज हम लोग भारत में कर रहे हैं उसके संदर्भ में इन्फॉर्मेशन दिया है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टीवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, सही बात है, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पर्स प्रोडक्शन, देखिए अलोन लिखा और गलत है, ग्रीन ग्राम हम लोग फुटप्रिंट थोड़ी ना खाते यार, इन द लास्ट 3 decades व्हिच व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैव इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैव डिक्रीज्ड, ये बात भी गलत है, एंड द आंसर ए। बस आपको एग्रीकल्चर ट्रेंड्स पता होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तब आप स्किप करने में और रास्ता बचता नहीं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द
अब क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल नहीं चाहिए, क्रॉप का बात कर रहा हूं, बताना कौन सा क्रॉप है। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, इसी में तो पता चल गया हमको, 50 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। अ लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप। ए इज द आंसर कॉटन, ए सिंपल सा कॉटन के लिए कंडीशन है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज अपने को चाहिए, इसलिए कॉटन हर जगह ग्रो नहीं करता, ठीक है। ए इज द आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स, सोलर माने सोलर एनर्जी ड्रिवन वाटर पंप्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट द सबमर्सिबल पंप्स। ठीक है, सबमर्सिबल पंप भी कहीं ना कहीं चला सकते हैं, पर मेनली क्या होता है, सन क्योंकि डायरेक्टली लाइट पड़ेगा पंप के ऊपर, तो ही वो पंप के अंदर जो प्लेट लगा होगा वो उसका पावर यूज कर पाएगा ना, वो कॉन्सेप्ट को हल्का कंफ्यूज करने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया आपको ये, तो ये बात जो है गलत है। सबमर्सिबल पंप के लिए यूज कर सकते हैं, उसका प्लेट बाहर रख देंगे, सबमर्सिबल पंप नीचे है पर वो एनर्जी बाहर से प्लेट से लेता है, क्या दिक्कत है, वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस इन द पिस्टन, ये तो गलत बात है भाई, पिस्टन वाला को भी जला सकते हैं हम लोग, इसको भी एनर्जी चाहिए, वो सूर्य का एनर्जी लेके वहां पे दे सकते हैं अगर हम लोग, तो वो चीज सोलर पावर पे काम करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसका आंसर होगा डी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगरकेन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब गन्ने की खेती के लिए कुछ सवाल पूछा है, उसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग आर रेज्ड इन द नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। सही बात है, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर सिंगल बडेड सेट्स एज कम्पेयर टू सेट्स विद मेनी बड्स। गलत है, इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लास्ट सेट्स। ये बात भी गलत है, शुगरकेन कैन बी कल्टीवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। ये बात सही आंसर होगा सी। देखिए ये क्वेश्चन हार्ड में बोलूंगा, हार्ड कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि मैंने हट के रखा है सवाल अभी, तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं सॉल्व कर पाया, अदरवाइज मैं नहीं कर पाता, तो मेरे लिए हार्ड होता, क्योंकि काफी टेक्निकल सवाल है शुगर कैन प्रोडक्शन का। ऐसे समझ लीजिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले लोगों के लिए सवाल दिया गया, हम लोगों के लिए नहीं दिया गया। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के संदर्भ में हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल सही है, अगर मोनोकल्चर करते हैं दोनों सॉइल का फर्टिलिटी कम होता है, घटता है, सॉइल डिटोरेट होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज गुड सॉल्यूशन। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन बिल्कुल सही बात है, टेंसियोमीटर यूज ये भी सही है, वर्टिकल फार्मिंग ना, वर्टिकल फार्मिंग तो इको फ्रेंडली है, तो फोर इज रॉन्ग सर अपना ए। 91 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर से जो वेजिटेशन हो रहा है उसको फर्टिगेशन बोलेंगे। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, गलत बात है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल में खेल रहा देख लिया। रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, यही सही है आंसर होगा। एग्रीकल्चर अच्छा क्वेश्चन बनाया था 20 में। 92 नंबर क्वेश्चन देखते गया है, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स bentonite, chromite, kyanite, sillimanite in India, which of the above is officially designated as major minerals. Major minerals माने उनकी उनका पहला बार use तो अच्छा है ही, प्लस मेजर मात्रा में पाए भी जाते हैं भारत में, उनका यूज भी अच्छा है, इसको मेजर मिनरल्स में कंसिडर किया जाता है। इनमें से इंडिया में किसको मेजर मिनरल क्लासिफाई किया गया, आपने वो चूज करना है। ये सवाल है फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर होगा 2, 3, 4 यानी कि डी। एक्चुअल क्वेश्चन को दिमाग लगाना चीज है नहीं। 93 नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म, विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। गलत है भाई, ये हाइटी गलत दिया है। ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज्ड इन एक्सेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन द सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। ये सही बात है, देखिए जो अपने बोलते हैं ना इंडियन ओशन डाइपोल, उसका इफेक्ट जो है अपने देख सकते हैं ओएमटी मेजर करके, इससे अपने मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी गेस कर सकते हैं। पॉजिटिव ओशन इंडियन ओशन डाइपोल हुआ तो क्या होता है, और नेगेटिव हुआ तो क्या होता है, उससे अपने को पता चल जाता है मानसून जो है वो अच्छा होने वाला है खराब होने वाला है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया, इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर लोग यूज करते हैं, उनके संदर्भ में सवाल है। एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। अभी के समय में जो रिटेल प्राइस है केमिकल फर्टिलाइजर का वो मार्केट ड्रिवन है, गलत बात है भाई। केमिकल फर्टिलाइजर जो है इंक्लूडिंग यूरिया वो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, इनफैक्ट हम लोग उससे इनएफिशिएंसी को फंड कर रहे हैं। रिटेल प्राइस तो मार्केट ड्रिवन नहीं है, वन इज रॉन्ग। फिर क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन द करेक्ट पूछा है, तो वन इज रॉन्ग, तो ए और डी हट गया, बी और सी में बचा, वन टू तो डेफिनेटली सही है, तो चेक ही नहीं करते। थर्ड देखते हैं, सल्फर विच इज रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ये बात सही है, इसका आंसर होगा बी। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क यानी थार रीजन पे, जोधपुर रीजन में पड़ता है इंडियन, जहाँ पे अपने को मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका बात कर रहा है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट का करेक्ट, इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट, सही बात है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, गलत बात है। देयर इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ, इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यस इट इज करेक्ट। आंसर है 1 और 3 यानी कि। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। अब देखिए इंडिया का मैप है, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, मेरा फ्ली बना रहा है इंडिया का मैप, तो सियाचिन कहीं ना कहीं जो है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, इसको निकाल के, ये वाला पार्ट चाइना कब्जा करके रखा है, अपने पास जो बचा है जम्मू एंड कश्मीर वो इतना सही है, ठीक है। इसमें सियाचिन जो है वो चाइना और जापान के बीच का ट्रायंगल पॉइंट के नजदीक है कहीं पर, तो अपने को बताना है कहाँ लोकेटेड है। इसका नोबरा वैली जो है वो यहाँ पे कहीं पर है, इसके नॉर्थ में,
सचिन यहाँ पे होगा उसके ईस्ट में तो नहीं है, ले यहाँ पे हो गया उसके ईस्ट में भी नहीं है, और जिलजीत राजस्थानी वाला रीजन के नॉर्थ में भी नहीं है, क्या बचा नॉर्थ ऑफ नोरा वैली। डीज आंसर 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग प्लेयर्स, अब इंडिया के भारत के इतिहास के हिसाब से उन्होंने फेमस प्लेस और उसका प्रेजेंट स्टेट से मैच करना, सिलसा मध्य प्रदेश सही है, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, गिरी नगर गुजरात सही है, थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, आंसर होगा ए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इतना कम नहीं ज्यादा होगा भाई, गलत लग रहा है। EGWA वाज फॉर्मड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सही बात है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, सही बात है। तो 2 और 3 सही आंसर है बी। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेट स्ट्रीम्स ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, गलत बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है बेसिकली। जेट स्ट्रीम क्या है, पाइप टाइप ऐसा फास्ट ब्लोइंग विंड्स होता है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, साइक्लोन कौन सा, जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है वो आई बनाता है, तो ओनली सम, बिल्कुल सही, टेम्परेट में नहीं होता है, टू इज राइट। टेम्परेट टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, ज्यादा होता है भाई, राइट। 2 only, सी इज द आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन इस पेपर का, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व व्हिच वन इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइगर एरिया होता है प्रोटेक्शन एरिया, इसके अंदर क्रिटिकल एरिया ये होता है, ये होता है बफर एरिया, तो क्रिटिकल एरिया किसका सबसे बड़ा है वो अपने को बताना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना, भीम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, रणथंबोर राजस्थान में है, नागार्जुन श्रीशैलम, ये होगा सी इज द आंसर, इसी में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइगर रिजर्व एरिया है। एक्चुअल क्वेश्चन था, आई डू अंडरस्टैंड, अगर तो आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, फिर लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें, यहाँ आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, और प्लस आपको आंसर की भी उसमें टिक लगे रहेंगे, प्लस यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल जिसपे आप ये सारा वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहे। अभी हम लोगों ने 2018 और 2019 का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और प्लस हमने सीसेट का भी 2020 और 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इसके बाद हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं लास्ट 5 ईयर्स के साइड डिस्कस करेंगे, इस चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।